डायरेक्टर, राइटर और मेन एक्टर के तौर पर एक इंसान यानी धरुण सर ने काम किया है, तो इन्होंने काफी ज्यादा खर्चा बचा लिया। डायरेक्टर का खर्चा बचा लिया, राइटर का खर्चा बचा लिया, एक्टर का खर्चा बचा लिया, तो इतना ज्यादा इन्होंने खर्चा बचाया। काश ये मूवी के सेकंड हाफ पे लगा दिया होता तो मूवी काफी ज्यादा बढ़िया हो सकती थी। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, टेंशन ना लो, मूवी के इस वीडियो के अंदर आप लोगों को सारी चीजें पता चल जाएंगी। देखो आज के हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले रायन मूवी के बारे में। इस मूवी को मैंने जब ये मूवी रिलीज हुई थी उसके एक दिन बाद मैंने इस मूवी को देख लिया था और मैंने इसके बारे में लिख भी लिया था कि यार मुझे इसके बारे में क्या क्या बोलना है, सारी चीजें मैं लिख के बैठा था, लेकिन किंतु परंतु टाइम ही नहीं मिला, वही आलस का खान। खैर मूवी कितनी बढ़िया है, इस पर जाने से पहले जो इस मूवी की कहानी है उस पर हम फोकस कर लेते हैं। तो रायन नाम का एक व्यक्ति है जिसको प्ले किया है धनुष सर ने, ऑब्वियसली वही मेन एक्टर है। तो रायन के दो भाई हैं, एक बहन है, बहन का नाम दुर्गा है। देखो दोनों भाइयों का भी नाम है लेकिन उनका नाम काफी ज्यादा लंबा है इसलिए मैं नहीं ले पा रहा, फिर वही बोलने में मिस्टेक हो जाएगी। खैर जो रायन है उसके बचपन में काफी ज्यादा प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है, फिर भी इन प्रॉब्लम से लड़ते लड़ते ये अपने भाइयों को, अपनी बहन को एक अच्छी लाइफ देने की कोशिश करता है, इस कठोर सी दुनिया के अंदर जीना सीख जाता है। लेकिन राइटर को ये सब चीजें कहां मंजूर थी, उसको तो प्रॉब्लम दिखानी थी, जनता को एंटरटेनमेंट करना था। तो रायन जब बड़े हो जाते हैं, मतलब इसके भाई बड़े हो जाते हैं, इसकी बहन बड़ी जाती है, तो सारे जब बड़े हो जाते हैं तो इनकी लाइफ में नई प्रॉब्लम आनी स्टार्ट हो जाती है। अब रायन को लगता है कि अब उसे अपने भाइयों की और उसे अपनी बहन की अगर लाइफ को बचाना है तो उसको क्राइम की दुनिया के अंदर पैर रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसा क्या होता है कि रायन को जो है वो क्राइम की दुनिया में पैर रखना पड़ता है, क्राइम की दुनिया में एंटर करना पड़ता है? तो देखो इसके लिए तो आपको मूवी देखनी पड़ेगी। फिलहाल अभी आपके नजदीकी थिएटर्स में शायद ये मूवी लगी हो, क्योंकि जब तक ये वीडियो आपके सामने आएगी, टेंशन ना लो, कुछ टाइम बाद जब किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ जाएगी तो आप इस मूवी को वहां देख लेना। ऑब्वियसली मैं इसको रिव्यू करने में लेट जो हो रहा हूं, तो हम बात करते हैं कि इस मूवी में क्या क्या अच्छा है जो इस मूवी को देखने लायक बनाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसकी कहानी है वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जैसे इस मूवी की कहानी स्टार्ट होती है, स्टार्टिंग में तो इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग फील होगी कि आप एक पल के लिए भी पल के झपकाए बगैर इस मूवी को देखना चाहोगे कि यार कोई भी चीज मुझसे मिस ना हो जाए। फर्स्ट हाफ तो इसका मूवी का बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। फिर मूवी में जो आप धनुष सर को देखेंगे उनकी जो एक सीरियस जो उनको एक्सप्रेशन आप देखेंगे वो बहुत ज्यादा बढ़िया लगे, क्योंकि रायन के लाइफ में जिस तरीके की प्रॉब्लम आती है फिर वो इन प्रॉब्लम से लड़ता लड़ता जैसे इसके ऊपर प्रभाव पड़ता है, जो इंपैक्ट इसकी लाइफ पर पड़ता है, जो इसको बहुत ज्यादा सीरियस बना देता है, तो वो सब चीजें देखेंगे कैरेक्टर डेवलपमेंट के तौर पर, वो आपको काफी ज्यादा पसंद आएगा। एक्शन जो इस मूवी की मेन कह सकता हूँ कि जान है वो बहुत ज्यादा बढ़िया है, सिनेमेटोग्राफी मूवी की बहुत बढ़िया है। और एज ए डायरेक्टर धनुष सर की सेकंड मूवी है, नो डाउट उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। और सबसे बढ़िया चीज मुझे लगी जो कास्ट एग्जीक्यूशन था वो बहुत बढ़िया किया गया है, मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है। यार रहमान सर के सॉन्ग हो गए, जो बैकग्राउंड म्यूजिक काफी बढ़िया दिया गया है, जो इंटेंस जो सीन होते हैं उसका एंटरटेनमेंट लेवल और ज्यादा बढ़ा देते हैं। तो इस तरीके से तो मैं कह सकता हूँ कि फर्स्ट हाफ मूवी का काफी बढ़िया रहा है, जितने भी कलाकार है उन्होंने बहुत बढ़िया काम किया। लेकिन पर्सनली मुझे जो धनुष सर हो गए और जो दुर्गा का जो करेक्टर है जिसको प्ले किया दुशारा विजयन, शायद मैंने उनका नाम सही से लिया, इनकी जो परफॉर्मेंस है खासकर मुझे वो बहुत ज्यादा पसंद है। शायद आपको भी जो कोई पर्सनली कोई पसंद आ सकते हैं, बाकी सबने बहुत बढ़िया काम किया। तो ये हो गई इस मूवी की अच्छी अच्छी बातें। अब बात करते हैं कि मूवी के अंदर क्या जो कमियां हैं, जो मतलब कि यहां पर भी इंप्रूवमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कि फर्स्ट हाफ मूवी का इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग होता है कि आप इसके सेकंड हाफ से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं, इस मूवी से बहुत ज्यादा उम्मीदें लगा लेते हैं कि यार मूवी बहुत बढ़िया जाएगी, लेकिन सेकंड हाफ एक तरीके से फर्स्ट हाफ के कंपैरिजन में तो बहुत ज्यादा लो है। यार इतना ज्यादा डिसअपॉइंट फील किया इसके सेकंड हाफ ने कि यार क्या देख रहे थे हम, इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग बना हुआ था लेकिन फिर आपने एकदम से निराश कर दिया ये सब चीजें दिखाकर। सेकंड हाफ की बात कर रहा हूँ, सेकंड हाफ में जो मूवी के कैरेक्टर्स हैं उनको आपको देखकर लगेगा कि यार ये इतने ज्यादा कंफ्यूज क्यों हैं, जो भी काम कर रहे हैं इनको खुद भी डाउट हो रहा है कि यार इन्होंने क्या कर दिया, तो एक कंफ्यूजन सी फील होती है सेकंड हाफ के अंदर। और जो भी कैरेक्टर डेवलपमेंट है, रायन का अलग से मैं बात करूंगा, रायन का कैरेक्टर डेवलपमेंट तो काफी बढ़िया है, लेकिन जो भी बाकी जो कैरेक्टर डेवलपमेंट है वो बहुत कम किए गए हैं। रायन और उसके दो भाइयों के जो बीच का जो रिलेशनशिप है उस पर फोकस बिल्कुल नहीं किया गया, हालांकि उनके रिलेशनशिप को दिखाने की बहुत ज्यादा जरूरत थी लेकिन वो सब चीजें नहीं दिखाई गई है। तो सेकंड हाफ तो मैं कह सकता हूँ कि काफी ज्यादा वीक रहा है एज ए राइटिंग, वहां पे बहुत ज्यादा जरूरत थी। और जो मूवी के अंदर जो मेन विलन है एस जे सुरैया, जिन्होंने सेतु का कैरेक्टर प्ले किया, इतने बढ़िया कलाकार हैं, इनके टैलेंट का मैं कह सकता हूँ कि सही से यूटिलाइज नहीं कर पाए हैं धनुष सर, जो वाकई में इतनी बढ़िया कलाकार के साथ अगर आप मेन विलन के तौर पर आ रहे हैं तो डेफिनेटली वहां पर लोगों की उम्मीदें और ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन वो बहुत ज्यादा चीजें निराश करती है। मूवी की एंडिंग कुछ और ही एक्सेप्ट कर रहे थे कि यार इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी होंगी लेकिन वो वैसी नहीं निकलती हैं, हमारे अकॉर्डिंग नहीं जाती हैं। अब देखो अगर हमारे अकॉर्डिंग जाती तो कहते प्रेडिक्टेबल हो गई, अब हमारे अकॉर्डिंग नहीं गई तो फिर यही बातें आ रही है कि यार थोड़ी सी कमी रह गई। खैर ये तो जनता है, जनता का पता नहीं क्या ही चलता रहता है। तो मेरी तरफ से तो देखो मैं इस मूवी को देना चाहूंगा 6 out of 10। अगर आप लोगों ने मूवी देखी तो प्लीज कमेंट करना कि आप लोगों को कैसी लगी, अगर नहीं देखी तो मैं ये कह सकता हूँ कि 1 time आप इसको डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। एक्शन बढ़िया है, कास्ट एग्जीक्यूशन काफी बढ़िया है और भी काफी सारी चीजें जो इसके अंदर आप लोगों को पसंद आएंगी, शायद आपको ये पूरी मूवी भी पसंद आ सकती है, क्योंकि
देखो हर इंसान का जो एक पर्सपेक्टिव होता है किसी की चीज को पसंद करने का वो अलग अलग होता है, आपका भी अलग हो सकता है, मेरा भी अलग है। जिन्होंने नहीं देखे तो वन टाइम इसको डेफिनेटली कंसिडर करें। तो बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जय हिंद।